मोज नाजरीन आज की वीडियो में अब देखेंगे कि चांद की तारीख क्या है आज की हदीस शरीफ इस्लामी कैलेंडर की हिजरी तारीख और साल 2023 और इस तारीख को पैदा होने वाले अल्लाह के प्यारे और नेक बंदों की विलादत और वफात बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक दरअस कौरान ई करीम आज की अच्छी बात इल्म का आज के दिन का इल्म, इल्म यह है की आज चांद की दसवीं तारीख है यानि मुहरम दिन हफ्ता है और ये एक हजार चार सौ पैंतालीस और उन्तीस जुलाई दो हजार तेईस है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वह हुजूर नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अगदस में हाजिर हुए दरा हाले की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाई हुई थी बस उस पर हुजूर नबी अक्रम अलैहि वसल्लम बनफ नफीस हजरत अली हज़रत फातिमा हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अनहम बैठ गए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर के किनारे पकड़े और उन पर डालकर उसने गिरा लगा दी फिर फरमाया अल्लाह तू भी उनसे राजी हो जा जिस तरह मैं उनसे राजी हूँ उसे इमाम तबरानी ने रिवायत किया है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अनहुमा बयान करते हैं कि आखिरी चीज जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वह यह थी कि मुझे मेरे अहले बैत में तलाश करो इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत किया है माँ बात करबला सत्तावन अल्लाह का शुक्र ना छोड़ो वरना आप अल्लाह की नेमतों में ज्यादती और इजाफे से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है व लइन शक्कर तुम लजीदन यानी अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुमको और ज्यादा दूंगा हज़रत इब्ने उमर ने इर्शाद फरमाया जो शख्स अपने रब से डरता है और अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी का मामला करता हो तो उसकी उम्र दराज कर दी जाती है और उसके माल में इजाफा होता है और उसके घर वाले उससे मोहब्बत करते हैं इब्ने अभी शैबा पच्चीस अल्लाह ताला तमाम आलम ए इस्लाम को आका सलातो सलाम के सदके में अपनी हिफ्जो अमा में रखे इल्म दीन सीखते रहिए इल्म दीन सिखाते रहिए इम दीन शेयर करके घर घर पहुँचाते रहिए